मैंने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा किया है और उसके बाद में ये फैसला लिया है। जब तुमने वहिनी को नहीं बताया तो और किससे सलाह ली तुमने? एक एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट? आई, कहीं आप डॉक्टर अंजलि की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, डॉक्टर अंजलि बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है। उन्हीं से बात करने के बाद तो हमारी सई ने बोलना शुरू किया। अरे हम सब का तो ठीक है, लेकिन जिनके लिए ये फैसला लिया है तुमने, उनसे पूछा है कि नहीं तुमने? क्या उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? उनसे भी तो एक बार पूछ लो। गुड़ू, मैंने तुम दोनों के लिए जो भी फैसला लिया है, तुम्हें उससे कोई एतराज नहीं होगा। देखो, मैंने ये जो भी फैसला लिया है वो इसलिए नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट है। मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम गलत हो, ऐसे कुछ भी नहीं। और मुझे सही से भी कोई शिकायत नहीं। मैं तुम दोनों को उसी नजरिए से देखती हूँ जिस नजरिए से मैं तुम दोनों को देखती आई हूँ। मैं वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच में जो भी हालात है वो ठीक हो जाए। मैंने आज तक आपके फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया। आई, आपने जो भी तय किया होगा वो सोच समझ कर ही तय किया होगा। हाँ, मुझे भी आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं है और मैं इस घर में कहाँ रहूंगी ये भी मैं आप पे छोड़ती हूँ। सई और विराट की जोड़ी तो एक मिसाल कायम करेगी। दोनों एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग कमरों में रहेंगे। पहले दोनों अलग अलग सोते थे, वो कम था क्या? अलग अलग सोते थे मतलब? सॉरी बड़ी मामी, वो मेरे मुंह से निकल गया। मैं ये बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन पत्र लिखा? ठीक से बताओ, खुलकर बताओ। बड़ी मामी, वो सई के घर छोड़कर जाने से पहले विराट और सई दोनों अलग अलग सोते थे। विराट बेड पर सोता था और सई नीचे बिस्तर लगाकर। पाखी दीदी, आप और सम्राट दादा तो एक ही कमरे में रहते हैं ना, तो बस आप उस बात पर ध्यान दीजिए ना कि इस बात पर कि मैं और विराट सर एक ही बिस्तर पर सोते हैं या अलग अलग। सही ठीक कह रही पत्र लेखन, पति पत्नी के बीच का रिश्ता उनका पर्सनल मैटर होता है। और जब मैं भी घर लौट कर आया था तो गेस्ट रूम में ही सोता था ना, तब विराट या सही ने हमारे रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं किया था। हम कम से कम इतनी मर्यादा तो रख सकते हैं ना।
चलो बेटा तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती, थक गई हो ना, आराम की जरूरत है। चलो चला चला, अब ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, विसर्जन का मुहूर्त होने वाला है, महाभोज के लिए पंडित भी आते ही होंगे, मेहमानों की भी आने का समय हो गया है, इन सबके आने से पहले भोजन तैयार हो जाना चाहिए, है ना? वो भी नहीं, अगदी बरोबर है, वैसे भी घर की सारी बहुएं मिलकर खाना फूड व्यंजन बनाएंगी ना महाभोज के लिए। हाँ सब मिलकर ही बनाएंगे। सही भी बनाएगी ना। कहाँ है सोनाली? बेड़ी है इसका, सही अभी अभी अस्पताल से आई हुई, महाभोज के लिए कैसे खाना बनाएगी? तो सही का काम कार्य वर्क कौन करेगा, मतलब इसको अलग से कमरा तो दे दिया है, लेकिन है तो ये बहू ना इस घर की, वो काम तो करना पड़ेगा। सोनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सही भी तो इस घर की बहू है, इसके हिस्से का काम भी तो किसी न किसी को तो करना ही होगा। कौन करेगा इसके हिस्से का काम? सोनाली वहिनी, गुड आइडिया। वहिनी मैं? और उस सिलबट्टे पे अदरक और मिर्ची पीसूंगी तो इसमें क्या दिक्कत है? वहिनी ये कल की आई हुई जंगली मुर्गी के साथ अब मेरी तुलना कर रही है। मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुझे काम दे रही हूँ जैसे पिछली बार मैंने सई को दिया था। वहिनी लेकिन सोनाली ये सब कैसे कर सकती है? क्यों, सिलबट्टा चलाने के लिए बस दो हाथ ही चाहिए होते, सोनाली के दो हाथ तो है, बस इसे इतना ही करना है कि जितना तेज ये अपनी जबान चलाती है ना उसके आधे तेजी से इसे हाथ चलाने हैं, फिर घर के क्या सारे मोहल्ले के मसाले पीस देगी, है ना? वहिनी आपको पता है ये सब मुझसे नहीं होगा, आप मुझसे कुछ और काम कार्य वर्क करवा लीजिए ना, मतलब कुछ ऑर्डर करना है या फिर सुपरविजन करना है, मैं वो सब कर सकती हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर सकती। गप्पा बस, जबान बंद और काम चालू। वहिनी आपने सही से कुछ भी नहीं कहा, आपको पहले से बात कर लेनी चाहिए थी ना, आप भूल गई क्या? घर छोड़ के सही गई थी, सोनाली नहीं। तो अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो सही को मिलनी चाहिए, आपको इससे पहले ये बात कर लेनी चाहिए। पहले मुझे सही से क्या बात करनी है, कब करनी है, ये मेरे और सही के बीच की बात है। तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? तुम्हारी बीवी को जरा सा काम क्या बोल दिया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? मेरा वो मतलब नहीं था बहनी। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू जोरू का गुलाम बनकर इसकी मदद करने की कोशिश करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहिनी आप तो जानती है ना सोनाली ने ये काम पहले कभी नहीं किया है, फिर आप इसको ये करने के लिए कैसे बोल सकती हैं, बताइए ना। यही मकसद है इस सजा का, सई ने भी तो इससे पहले ये काम कभी नहीं किया था, लेकिन महाभोज के दिन किसे ताने मार रही थी सोनाली उसे। सई ये महाभोज है, ये सिर्फ घर की बहुएं बनाती हैं, वरना ब्राह्मण तो खाना खाने से भी इनकार कर देते हैं। वहिनी मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब मुझसे नहीं होगा। जिंदगी तो हजार चुनौतियों से भरी होती है, तो इतने से डर गई? अरे सही को देख, वो भी तो घिस घिस के खाना बनाना सीख ही गई ना, घर की जिम्मेदारियां भी उठाना सीख गई, तू भी सीख जाएगी। लेकिन बड़ी मामी, सोनाली मामी आपके साथ कितने सालों से रह रही है, आप अच्छे से जानती होंगी कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, फिर आप इनसे मसाले पीसने को क्यों कह रही हैं? तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं सोनाली को अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए इसे ये काम दे रही हूँ। अब पता चलेगा आई को कि मुंह चलाने में और हाथ चलाने में कितना फर्क होता है। वही नहीं,
मेरा काम है ना करिश्मा कर लेगी, वो ना करिश्मा आई, लेकिन मुझे तो और भी काम है ना, सफाई करनी है, काकू की मदद करनी है, महाभोज का खाना बनाना है, कितने सारे काम है, मैं कैसे करूंगी। मेरी सास से जुबान लड़ा रही है, मैंने कहा ना तू करेगी मतलब तू करेगी। सुनाली तू इस बेचारे को क्यों डांट रही है, तू मुझसे भी तो जुबान लड़ा रही है। और करिश्मा ने कह दिया ना वो मेरी मदद करने वाली है, तू भूल गई सही के लिए स्पेशल खाना और मोदक बनाने के लिए मैंने इससे कहा है मेरी मदद करने के लिए। हाँ अब हाँ आई, मुझे तो काकू की मदद करनी है, मैं कैसे करूंगी। हाँ करिश्मा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चलो चलो सब विसर्जन की तैयारी करो। सोनाली चला। वहनी छोड़िए इनको, इनका तो रोज का है, आप सही को लेके रूम में जाइए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेगी और फिर पूजा के लिए तैयार भी तो होना है ना। मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। हाँ चल मैम सावकाश। आई आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आई आपको पता है जब मैं गढ़चिरौली में आबा के साथ रहती थी ना तो वहां पर मेरा खुद का एक अलग कमरा था और मैंने खुद उस कमरे को अपने हिसाब से सजाया था। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इस कमरे को भी तुम अपने हिसाब से सजा देना। मैं ना आबा की फोटो लगाऊंगी वहां उस दीवार पर लगाऊंगी। और हड़ू हड़ू हाँ यहाँ ना अपनी किताबों के लिए एक बुक शेल्फ भी लगाऊंगी और ना एक छोटा सा रीडिंग लैंप भी लगाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसकी मुझे क्या जरूरत है, अब तो मैं कितने भी बजे तक पढ़ सकती हूँ। अब विराट सर नहीं है ना यहाँ पर बार बार पूछने के लिए कि कब तक पढ़ोगी सही, लाइट कब बंद करोगी सही। सही तुम्हें तुम्हारा खुद का कमरा मिल गया इसलिए तुम इतनी खुश हो गई, विराट का कमरा छोड़कर तुम यहाँ आके रहोगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। सही क्या सोच रही हो। कुछ नहीं आई, मैं सोच रही थी कि मेरा सामान आए। वो तो विराट के कमरे में, वहां से लाना होगा ना। राज मैं लेके आती हूँ। अरे रुको अब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं है। देखो बेटा तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर लाके रख दी है और पूजा के लिए तुम्हें जो कपड़े पहनने वो भी लाके रख दिए है। हरा सामान मैं विराट से कह दूंगी वो लेकर आएगा तुम्हारा सामान। चलो अब मुझे चलना होगा, महाभोज का खाना भी तो बनाना है। देखो एक काम करो तुम आराम करना और उसके बाद में तैयार होके आ जाना ठीक है। चल चलती हूँ। हाँ आराम करना।
कैसे बताऊं तुम्हें अपना हाल दिल, मेरी मोहब्बत है बस मेरा राज दिल, सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे, जान लो बस जो है दिल में हमारे, आंखें जो कह रही हैं वो ना कह पाए जुबान, कहना है बस अब तो तुम ही मेरी जान, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम हाय सही तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सही का दुपट्टा रख लेता हूँ ताकि सही की गैर मौजूदगी में मुझे उसका एहसास दिलाता रहे। विराट सर तो खुश ही होंगे, अब मैं उनके आसपास नहीं हूं ना बात बात पर उन्हें तंग करने के लिए। कितना सुंदर है, आपको कैसे पता मुझे ऐसे ही पेंडेंट चाहिए था? सही है, यहां रख के गई थी। हो आई को मना लो क्या सही को वापस इस कमरे में लाने के लिए? नहीं, क्या पता वो मुझसे दूर रहकर ही ज्यादा खुश हो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।